इस वक्त हम मौजूद हैं बसना नगर के सुप्रसिद्ध अग्रवाल नर्सिंग होम में, जहां एक बच्ची के सांस नली में सीताफल अटक जाने की वजह से उनके परिजनों द्वारा यहां भर्ती करवाया गया था, जिसके बाद बच्चे की सांस नली से सीताफल बीज को सफलपूर्वक निकाला गया और अभी बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। हम मरीज के परिजनों से चर्चा करेंगे कि किस स्थिति में उन्हें यहाँ लाया गया था और उन्हें कैसे पता चला कि बच्चे की सांस नली में सीताफल अटका है। मैं विष्णुराम चौहान, ग्राम बागमड़ा से हूँ। मैं पोस्ट पीड़िता तहसील पिथौरा थाना बसना का निवासी हूँ। मेरा बच्चा पहले से मतलब सर्दी बुखार जुखाम जो भी था, उसके बाद इलाज पास के गांव में करा रहे थे। उसके बाद में बच्चा की इतना कंडीशन ख़राब हो गया जो हम लोगों 7 तारीख को यहाँ लेकर के आए बच्चे को, अग्रवाल नर्सिंग होम में एडमिट किया। यहाँ पे अमित भैया बच्चे का इलाज पानी जो भी किए अच्छा ढंग से किए। फिर 2 दिन बाद बोले कि और जब आपके बच्चे का जो कफ है सांस में फेफड़ा में कफ जम गया है करके, उसको फिर वेंटिलेटर लगा करके साफ़ किए, तो फिर 2 दिन बाद बोले कि आपका बच्चा कुछ फल वल कुछ बीज खाया है क्या बोल करके सामने बुलाए अपने रूम पे। और फिर भैया बोले कि तुम्हें भैया हमारे जो बच्चा है छीता बीज खा चुका है। हमको लगा कि ढेनू द्वार निकल जाएगा करके, तो बोले कि आपके बच्चे का जो सांस ले है उसमें बीज फंस चुका है, अब उसको निकालना पड़ेगा। अब आपके बच्चे का जो भी बहुत गंभीर स्थिति है, जान को बहुत खतरा है। बोले मेरे पापा भी आए थे यहाँ पे, तो रिक्शी के बोलता है सर के बोले बहुत रिक्शी, मुझे भी लगता है सर हम लोग यहाँ करेंगे, आप यहाँ लेकर आए हैं मतलब बच्चा को आराम कीजिए। फिर डॉक्टर साहब बुलाए रायपुर से और जो भी दूरबीन से बच्चे का जो बीज है रविवार को निकाल कर दिए। उसके बाद फिर ये बच्चा गंभीर है अभी भी। उसके बाद वेंटिलेटर में लगने के बाद अब बच्चा का स्वास्थ्य अभी बहुत अच्छा है। हाँ अभी बहुत अच्छा है। तो अभी खाना पीना कर रहा है? खाना वाना अभी बच्चा अच्छा से खा रहा है, ठीक है, उसका कंडीशन बहुत अच्छा है। अग्रवाल नर्सिंग होम के चेयरमैन डॉक्टर एन के अग्रवाल जी, जो विगत 30 वर्षों से भी अधिक समय से इस स्थान पर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, जिनके कारण आज बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज इस छोटे से शहर में हो पाना संभव हो पाया है। हमारे साथ अभी मौजूद हैं अग्रवाल नर्सिंग होम के चेयरमैन डॉक्टर एन के अग्रवाल जी, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस स्थिति में उस बच्चे को लेकर आया गया था और उसे किस प्रकार की यह सुविधा दी गई। बच्चा जो है वो सांस की दिक्कत से आया था कि सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी और उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत ड्रॉप हो रहा था। और उसके बाद में एक्सरे करके और हम लोगों ने पता लगाया, डॉक्टर अमित अग्रवाल जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने संदेह व्यक्त किया कि सर्दी खांसी नहीं है, इसके पीछे संभावना है कि कोई फॉरेन बॉडी, जिसको हम चाहे बीज हो चाहे वो छर्रा हो, उसको सांस लेने में जाने को हम फॉरेन बॉडी कहते हैं, वो जाने की वजह से ही उसको प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और अंदर जाने के बाद सीताफल के बीज फंसने के बाद उसको इन्फेक्शन भी हो गया था। काफ़ी कठिन निर्णय था उसको निकालने का, क्योंकि 1.5 साल के बच्चे को बेहोश करना और उसके बाद में दूरबीन डाल के सांस की नली में दूरबीन डाल के उसको निकालना एक बहुत ही मतलब मुश्किल काम होता है और एकदम जो विधा में पारंगत है ऐसे लोग ही उसको निकाल पाएंगे। तो हमारे पास डॉक्टर राठी, जो नाक कान गले के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर हैं रायपुर में, वो हमारे पास उपलब्ध थे उस दिन। और हमारे पास में एनेस्थीसिया के लिए हमारे पास में डॉक्टर रश्मि थी, जो कि जनरल एनेस्थीसिया में माहिर हैं। तो ऐसे और डॉक्टर अमित अग्रवाल जो खुद एक शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, ऐसे 3-4 और पूरा स्टाफ और अग्रवाल नर्सिंग होम के लगभग 8-10 स्टाफ के सहयोग से और बहुत ही क्रिटिकल काम को, जिसमें जान जाने का भी खतरा था, लेकिन उसको एक बहुत आवश्यक जरूरी ऑपरेशन मान के उसको किया गया और सफलतापूर्वक वो बीज को निकाला गया। और बीज निकालने के बाद उस बच्चे की तबीयत बिल्कुल एकदम जादू जैसा होता है ना, उस तरह से 2-3 दिन के अंदर ही बच्चा एकदम स्वस्थ हो गया। खांसी सर्दी सांस लेने की दिक्कत सब खत्म हो गई। तो ये एक बच्चों को, छोटे बच्चों को जब जैसे बीज वाले फल हैं, चना है,
या मटर के दाने हैं या कोई छोटे खिलौने जैसे छर्रा है, कोई छोटी सी सीटी है बच्चों की, इस तरह के खिलौनों से भी बच्चों को दूर रखना चाहिए, क्योंकि बहुत संभावना होती है कि ये गलती से बच्चे की सांस लेने में जा सकता है। तो बीज वाले फल जब भी खिलाएं तो खुद उनके माता पिता साथ रह के सामने रह के बीज निकाल कर या कोई चीज़ों को क्रश करके पीस के ऐसा खिला सकते हैं, नहीं तो ये दिक्कत आती है। और कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि जिनको हमको रायपुर भी भेजना पड़ता है, परंतु भाग्य से उस दिन हमारे पास में सारी सुविधाएं थी, डॉक्टर राठी भी थे, एनेस्थेटिस्ट भी थे, तो बहुत अथक प्रयास से और बहुत ही क्रिटिकल एक ऑपरेशन, जटिल एक ऑपरेशन को हमने यहाँ पर सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। और निश्चित रूप से ये पूरी टीम का उसमें सहयोग रहा और सब ने पूरे जुनून और शिद्दत के साथ में इस काम को किया और वो बच्चा आज स्वस्थ होकर घर चला गया है। डॉक्टर एन के अग्रवाल जी, जो विगत 30 वर्षों से भी अधिक समय से इस स्थान पर स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, जिनके कारण आज बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज इस छोटे से शहर में हो पाना संभव हो पाया है, हम इनसे जानेंगे कि इतने वर्षों से लगातार ये क्षेत्र में जो सुविधा दे रहे हैं इसके पीछे की वजह क्या है। देखिए, मैं 1980 में शासकीय सेवा में आया, उस समय के अस्पताल में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं थी, कोई गंभीर मरीज को रखने के लिए कोई ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं थी, मरीजों की सेवा करना और उच्च स्तर की सेवाएं देना बहुत आवश्यक है। तो मैंने इसीलिए स्वैच्छिक अस्पताल का शुरू किया, मेरा एक जुनून था कि यहाँ के लोगों को मैं अधिक से अधिक स्वास्थ्य सेवाएँ दे पाऊँ। चने वक्त के साथ साथ मेरा अस्पताल बड़ा होता गया, मेरे बच्चे भी जब पढ़ लिख कर आ गए, डॉक्टर बन के आ गए, तो सब ने मिलकर तय किया कि हम एक बड़ा अस्पताल जिसमें हम उच्च स्तरीय सेवाएँ, मल्टी स्पेशलिटी सेवाएँ देंगे, और इसी के तारतम्य में शिशु रोग विभाग, स्त्री रोग विभाग, हड्डी रोग विभाग, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, किडनी की सर्जरीज सब हम लोग यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। तो आगे मतलब कि यहाँ पे जैसे हर तरह के विशेषज्ञ यहाँ पे मौजूद और यहाँ पे कार्ड की भी सुविधा मिलती है, निःशुल्क इलाज कराया जाता है, तो आगे और क्या विचार है कि अस्पताल को और कौन कौन सी सुविधा मिलेगी? जितनी अधिक से अधिक सुविधाएं हम प्रोवाइड कर सकेंगे, हमारे पास एक अच्छा आईसीयू है, आईसीयू में बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी हमारे पास होते हैं, ताकि गंभीर मरीजों का भी इलाज अपार्ट फ्रॉम सर्जरी ट्रॉमा, इसके अलावा हम गंभीर मरीजों का भी हम इलाज यहाँ पे उपलब्ध कराते हैं और सैकड़ों लोगों की जान बचती है। जैसे अभी हाल में एक सांप काटा हुआ व्यक्ति जो कि काफ़ी गंभीर अवस्था में लाया था, निरंतर 4-5 दिन आईसीयू में रख के उसको हमने इलाज किया, वो ठीक होकर घर चला गया। इसी तरह का एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक युवा ने एक फांसी लगाने का प्रयास किया और असफल था वो प्रयास, और काफ़ी गंभीर स्थिति में अस्पताल लेके आए थे उसको, और उसको भी लगभग एक हफ्ते में हमने वेंटिलेटर लगाया, फिर वेंटिलेटर निकाला, इस तरह से धीरे धीरे उस युवा को हमने ठीक करके भेजा। इस तरह अनेकों केस पॉइजनिंग के बहुत सारे, जहर सेवन वाले हैं, सांप काटे हैं, ट्रॉमा है, बहुत गंभीर जो रोड एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, जिनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी होते हैं, उन सबका इलाज भी हमारे यहाँ डॉक्टर होम हैं जो हड्डी रोग के विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है। तो कुल मिला के मैं कहूँ कि अभी अंचल में और महासमुंद ज़िले में जो उत्कृष्ट सेवाएँ हम दे रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कहीं और उपलब्ध नहीं है, और बहुत ही रिजनेबल चार्जेस में, कार्ड में तो करते ही हैं, उसके अलावा जो प्राइवेट कराना चाहते हैं उनका भी बहुत अधिक रिजनेबल चार्ज में हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और निरंतर अग्रवाल नर्सिंग होम का नाम आप देखेंगे कि पूरे क्षेत्र में एक अलग अपनी पहचान बना चुका है। मतलब इसकी वजह से अब मरीज को बाहर भटकना नहीं पड़ रहा है? हाँ, निश्चित रूप से बहुत सारे मरीज जो रायपुर जाने की स्थिति में होते हैं और उनका इलाज यहाँ संभव होता है, तो उनका धन भी बचता है और उनकी समय भी बचता है, और रायपुर जाके भी उनको बहुत आसानी सब चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती, रहने खाने की और आने जाने की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो यहाँ आसपास के क्षेत्र के लोग रोज़ आना जाना करके भी अपने मरीज़ का देखभाल आराम से कर लेते हैं, कम खर्च भी होता है।